हेलो टीम अप ब्रो, टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप। भाई तुम्हारे बंदों को बोलो मारना। भाई प्लीज आपके बंदों को बोलो मारो मत। ग्लेशियर बहुत कड़ा है ब्रो आपके। भाई आपकी स्किन ग्लेशियर कॉपी है। हाँ भाई आपका चैनल बोलो ना, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। अब यार मुझे लगा वो बंदा मुझे जानता है इसलिए जंप कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो जंप इसलिए कर रहा था बिकॉज उसने पढ़ी थी रिसेंटली किल फीड और वहाँ उसने देखा कि मेरे पास ग्लेशियर है और इसलिए वो बंदे मेरे से जो है टीम अप करना चाहते थे। मतलब सही में यार गलत ही सीन। बट जो भी था गाइस इस गेम प्ले में तबाही बहुत सारी है, एंड तक जरूर देखना। और कैसे तुम यहाँ पे देख लो एक और ब्लड रेवन आया, लेकिन साइज इसका लेवल 1 का है जो भी है, बट हमें क्यों मतलब नहीं, हम तो अपने गेम पे फोकस करेंगे। और यार मैंने ना मतलब एंड्रॉयड में गेम खेली है, मतलब मैं स्टार्टिंग से एंड्रॉयड में खेलता था, लेकिन जब उतनी गेम मतलब हैवी नहीं हुआ करती थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से मतलब खेलने लायक था एंड्रॉयड। लेकिन मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अब ना गेम को बहुत ज़्यादा हैवी कर दिया गया है, मतलब काफ़ी डिफिकल्टी होती है इस गेम को खेलने में बिकॉज ऑफ लैग। फिलहाल तो सामने की तरफ से लगातार फायरिंग साउंड आ रहे थे, तो मैं जो है धीरे-धीरे करते हुए वहां की तरफ बढ़ता हूँ। पर मुझे राइट वाले घर से कुछ फुटस्टेप आ रहे होते हैं। बट गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब, एक मॉली थी मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और ये एक मॉली जो है एंड मौके पे फेंकूंगा। यार सच में मतलब एम इतना चौक हुआ ना कि तुम पूछो ही मत, बट यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि मेरे टीममेट जस्ट पीछे आ ही गया था, लेकिन हाँ उस मॉली से मेरे को 2 किल मिल जाते हैं, ये काफी अच्छी वाली बात थी। और लग गया ये भाई साहब को भी नॉक कर दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे 3 बंदे तक जा चुके हैं, तो अभी भी एक बंदा है इनकी स्क्वाड का, कहाँ ये तो मुझे नहीं पता, बट जैसे मैं हील करके आगे जाऊंगा ना भाई साहब, इस बंदे की मेरे को फुटस्टेप आते हैं। खबर ये आईडी थोड़ी सी नई है तो लॉबी थोड़ी सी हल्की आ रही है, बट जितना मैं फोन में खेल पा रहा हूँ मेरे हिसाब से ये लॉबी भी बहुत तगड़ी है। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे और कोई नहीं था, तो जल्दी से लूट वूट करते हैं और अपनी गड्डी को उठा के चले आते हैं और बंदों को खोजने के लिए। मैंने कहाँ चल पाई यार, यार ये बंदा तो खैर ऑफलाइन था, लेकिन हमें काफ़ी सारे ढेर और गोलियों बारूदों की फायरिंग साउंड यहाँ से आए थे, तो बंदे तो इतना है। फिलहाल गाइस मेरा टीममेट मार्क करता है कि सामने की तरफ उसके बंदा है, लेकिन ये बंदा लगातार फॉल बैक करे जाता है और अब यार यहाँ पे मेरा एक किल चोरी हो चुका है, लेकिन जिनने चुराया है ना भाई साहब वही बंदे होते हैं मीटअप वाले। बट उससे पहले भाई ये फायरिंग शॉट कहाँ से है, सीरियसली यार हमें फुटस्टेप भी आ रहा है, अब ये बंदा कहाँ है मुझे एक्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा इधर आके देखा, बट गाइस यहाँ मुझे कोई भी स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद गाइस यहाँ पे मेरे टीममेटों को कहीं से वीसस पड़ जाती है। और भाई ये कहाँ से बड़ी कोई आइडिया नहीं, बट गाइस जो भी है यहाँ मैंने जल्दी जल्दी स्मोक करा और उसे रिवाइव दिया। अब यार अपने एक टीममेट को तो बचा लिया, लेकिन नंबर 4 जो है भैया अभी भी खतरे में है। भाई साहब ये बॉट कभी कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं, बट यार यहाँ पे देखो लोग कभी 0 HP में हमने नंबर 4 को बचाया है, तो यार सही में यार मजा आ गया। फिलहाल तो यार यहाँ पे कोई नहीं था, सारे बंदे अपार्टमेंट में ही थे, तो मैं जो यहाँ से निकल के वहीं की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ देखो मुझे ऊपर की तरफ कुछ बंदे पड़ जाते हैं और इस बंदे का नेट कुछ ज्यादा गलत है। और किसी और ने नॉक करा था, लेकिन जो भी था स्किल हमारे खाते में आ गया। बट गाइस जिस बंदे ने से नॉक कराया ना, वो देखो अपना किल कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा आगे आता है, और गाइस देखो उसका तुम क्या स्कैम करने वाले हैं।
मेरे को बताओ यार, तुम्हारा किल चोरी हो चुका है, बल्कि अब तुम भी गए काम से, लेकिन जो भी तक यहाँ पे भैया, अब इन बंदों को निपटा कर मैं जो है चला आता हूँ ऊपर रिच पर। और यहाँ देखो भाई साहब, बंदों को अब तक कोई भनक नहीं है कि मैं कौन हूँ, बिकॉज मेरी किल फीड अब तक नहीं चमकी है। बट मैंने बंदे पे जब तक को शॉट लिए, अभी ये कोई भी मूवमेंट नहीं दे रहा है, मतलब जंप वम कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट अपने आप को सेव करा इसने, ठीक है। बट यार अब यहाँ पे आने वाला है एक बॉट, और जैसे मैं उसे मारूंगा ना भाई, तुम बिल्डिंग वाले बंदों को देखना बस। भाई ये किल फीड चमकी, और अब तुम देखो इनका तमाशा। मतलब सही में यार, किल फीड देख के बंदों ने जंप करना शुरू कर दिया। फिलहाल यार मुझे डर लग रहा था कहीं ये बंदे मतलब स्कैम ना कर दे हमारे साथ, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ। बट यार ये लगातार जंप करे जा रहा है काफी देर से ओपन में, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मीटअप कर लेते हैं, क्या पता जानता हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, और यहाँ पे आया मैंने लास्ट मोमेंट तक मतलब इस पे ध्यान दिया पर्सनली। बट यार ऐसा कुछ करते नहीं है। भाई तुम्हारे बंदों को बोलो मारना, भाई प्लीज आपके बंदों को बोलो मारो मत, ग्लेशियर बहुत कड़ा है ब्रो आपका। भाई आपकी स्किन ग्लेशियर कॉपी है। हाँ भाई आपका चैनल बोलो ना, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। भाई यहाँ आगे मुझे पता चला कि ये बंदे मुझे नहीं जानते, बल्कि मेरी किल फीड में नाम चमकता देखकर इन लोगों ने चंपक चपक करना शुरू करा। बट जो भी था गाइस, यहाँ पे इनसे मीटअप करेगा गाइस, हम जो है निकल लेते हैं। अब यार यहाँ से निकलकर हम जो अपनी गड्डी घुमा रहे होते, तो वैसा मुझे सामने इन वाले घरों पे एक फ्लेयर चली दिख जाती है, तो मैं जो है गाड़ी डायरेक्ट ठोकता हूँ आके। लेकिन गाइस यहाँ पे एक सीन देखो तुम, कि एंड्रॉइड के एफपीएस कितने ही अच्छे क्यों ना चल रहे हो, लेकिन तब भी भाई साहब किस्मत खराब हो तो भैया पूछो ही मत, गलत इसे नहीं आता आपके साथ। अब फिलहाल यहाँ पे एक बंदा तो था, लेकिन मुझे लगा ऐसे ये इसी बिल्डिंग में, तो मैं थोड़े से फुर्सत महसूस करके यहाँ की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता हूँ। बट बंदा जो है राइट वाली बिल्डिंग में था। अब यार यहाँ बिल्कुल कॉर्नर से फुर्सत आ रहे थे, तो मैंने वहां की तरफ एक मॉली फेंक की। अब गाइस यहाँ पे देखो मैच पे करने वाला हूँ रश, लेकिन तुम ध्यान से देखना कि मैंने उसे कितने शॉट कनेक्ट करे और वो मुझे कितने शॉट कनेक्ट करेगा। भाई सच्ची यार मानता हूँ मैंने बाद में एम हग दिया, लेकिन सही में उसे एक हेड और आई थिंक दो बॉडी शॉट कनेक्ट हो गए, तो भाई सही में दिमाग खराब। लेकिन भैया उसने स्प्रे बिल्कुल नहीं रोका और पूरा ही फिनिश कर दिया यार। बट अब क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार रात की बात गई। बट गाइस अगला जो गेम प्ले ना गाइस, उसमें और भी खतरनाक मूवमेंट आने वाले, बिकॉज ये जो हमारे रैंडम्स है ना गाइस, ये काफ़ी तगड़े प्रो प्लेयर है। और भाई ये बंदे ना मुझे असल में पहचान लेते हैं कि मैं एक यूट्यूबर ही हूँ, बिकॉज ये सर्च वर्च करके आ गए थे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो भैया ये मतलब क्या ही बोलते हैं, ऐसा ही था वो स्ट्रीमर कहता है भाई किल ही नहीं लेने दे रहे तुम लोग, सारा कंटेंट चोरी कर रहे हो मेरा। भाई सही में यार ये बंदे बड़े गंदे मजे लेने वाले हैं, मतलब एज अ किल, मतलब कहते हैं कि यार देखते हैं भैया तुम्हारे ज्यादा किल होंगे या फिर मेरे, बिकॉज यार हम तो किसी को किल नहीं लेने देते। कई सारे यूट्यूबर के साथ हम खेलते हैं, लेकिन कोई भी हमसे ज्यादा किल नहीं कर पाया। अब फिलहाल देखने वाली बात है, तो एंड में पता चलेगा कि किसके ज्यादा किल होंगे। बट अभी के लिए तो भैया हम भी घुस रहे थे और मारे जा रहे थे बंदों को, लेकिन यहाँ पे एक बर्ड को मारने के बाद मेरा असल में बॉट को मारने का मन हुआ ही नहीं, तो मैंने दूसरे बॉट को छोड़ दिया। तो गाइस यहाँ पे जो भी इसने मार लिया, लेकिन यार बॉट वो किल इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, बल्कि रियल प्लेयर मैटर करते हैं। फिलहाल सामने तरफ एक बंदा मैंने नॉक कर दिया है, तो मैं वहां पे अपना किल कंफर्म करने जा रहा होता हूँ। लेकिन गाइस इतने में पहुंच जाता है वहां पे नंबर वन, और देखो भाई साहब हम आए भाई किल चाहिए। भाई इनके पास गन पावर भी है, ग्रेनेड भी काफी अच्छे कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, तो भाई सही में देखने वाली बात है कि इनसे ज्यादा किल मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। बट गाइस फिलहाल तो यार यहाँ पे बस चार ही किल मिल पाए, और उन्हीं किल के साथ संतुष्टि करते हुए हम ऐसे निकलेंगे और चलेंगे और बंदों को खोजने के लिए। बट कैसे निकलते हैं ना, और हमारे भावेश भाई तो बेचारे पिंग के मारे हैं। सामने से गाड़ी फोड़ दो। अरे माँ कसम ठुक गई भाई,
वो गाड़ी से जंप करते ही मर गया भाई। पहला बंदा तो मैंने इजी उतार दिया था, लेकिन सेकंड बंदा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पैनिक कर गया और भाई सब गाड़ी से जंप कर जाता है और खत्म। मतलब सही में यार फिलहाल यार यहाँ पे भैया लूट उट करके हम निकल लेते हैं फिर से और बंदों की तलाश करने के लिए। और जैसे ही मैं इस तरफ आता हूँ ना भाई साहब, लैब टाइप से कोई बंदा टैप टैप छोड़ ले रहा था, तो भाई साहब बस तो भैया स्प्रे देखो। अब यार सही में पहले में तो मुझे बॉट लगा था, लेकिन भाई साहब उसने भी गंदा ही डैमेज दिया बॉट का। स्प्रे के लिए ना भैया एक लाइक करना पड़ेगा फिलहाल, जल्दी से जो अपना किल कंफर्म करा और उसके बाद तुरंत ही ऐसे निकलने की तैयारी करने लगते हैं बॉट यार। जैसे ऐसे निकलेंगे ना भाई साहब यहाँ चली आती है एक और गाड़ी। वो तो कोई कहीं और से पड़ गई। देखो वो ओपन लॉक दिया क्या तुमने उसको दूर वाले को? इस डीपी वाले पे क्लोज इन कर रहा हूं मैं। वो नीचे भाग गया, पेड़ पे बंदा है। वॉच आउट। अरे बहुत लेकिन यहाँ से निकलते निकलते तुम देखो भैया हमारे कितने ही केला, मतलब मेरे साथ है और इन दोनों बंदों के ना 8-8 केला है। तो गाइस यहाँ पे अभी तक तो भैया मैं पीछे चल रहा हूँ, बट इतने में आते मेरे को एक बगी के साउंड। भटकते जो बचे कुछ बंदे थे हम उन्हें खोज रहे थे, और जैसे भाई यहाँ आता हूँ ना भाई साहब यहाँ देखो राइट साइड में खरीद गया मैं ये गाड़ी। और अब यार जैसे तैसे यहाँ पे एक किल तो ले लिया, लेकिन सामने की तरफ भी ऑफलाइन बंदा भाई, मेरा खुद का किल तो लिया था। और चलो यार यहाँ पे जैसे तैसे मिले, लेकिन भैया बढ़ोतरी मिलनी चाहिए अपने को। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे लगभग सारे बंदे ठहला दिए थे और जोन में रह गए थे सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे। और गाइस सही में यहाँ पे देखो ये एक और बंदा स्पॉट हुआ, और इस बंदे का किल मैं क्या ही चुराऊंगा। अरे माँ कसम भाई फिर से किल चोरी भाई, हेडशॉट मार रहा हूँ फिर भी भाई सही है। मतलब स्टार्टिंग के डायलॉग इनके याद करते करते मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा था। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे भैया जोन में रह गए सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, और उनमें से भी भाई साहब एक बंदा जोन से निबट जाता है। तो भाई सही में जोन में रह गया था सिर्फ और सिर्फ 1 बंदा, और भाई सही में उस बंदे को हम कहाँ ही ढूंढते भैया मिल ही नहीं रहा। तो गाइस हमने कर दिया खुद पे ग्रेनेड, और गाइस यहाँ पे चिकन डिनर दे दिया उसे। मैंने कहा जाओ भाई तुम भी ऐस कर लो, लेकिन तुम यहाँ पे ये चीज देखो भाई किसके कितने ज्यादा किल है और किसका कितना डैमेज। ऑब्वियसली यार मैंने किल चुराए हैं, बट जो भी है मजा आ गया।